वाणिज्यिक यौन शोषण बनाम वेश्यावृत्ति। वाणिज्यिक यौन शोषण को बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के माध्यम से व्यावसायिक लाभ के लिए दूसरों का यौन शोषण के रूप में परिभाषित किया गया है। वेश्यावृत्ति को एक यौन क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शुल्क या मूल्य प्राप्त करने के बदले में संपर्क किया जाता है। व्यावसायिक यौन शोषण में पसंद का कोई तत्व नहीं है। पीड़ित को सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है। वेश्यावृत्ति कभी कभी स्वैच्छिक हो सकती है। कई महिलाएं, विशेष रूप से गरीब क्षेत्रों में रहने वाले लोग वेश्यावृत्ति की ओर रुख करते हैं क्योंकि बहुत कम आर्थिक अवसर होते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो आजीविका कमाने के साधन के रूप में वेश्यावृत्ति का चयन करते हैं, लेकिन एक दलाल, जिसे अन्यथा दलाल के रूप में जाना जाता है, द्वारा नियंत्रित और धमकाया जाता है। ऐसे नाबालिग हैं जो अपनी पसंद से खुद को बेचते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से उनकी उम्र के कारण मानव तस्करी के शिकार के रूप में वर्गीकृत हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इच्छुक वेश्याओं के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वेश्यालय के लिए एक ऋण का भुगतान कर रहे हैं। कभी कभी समझ और यहाँ तक कि ऋण चुकौती संरचना के लिए सहमत होना। अधिकांश देशों में वाणिज्यिक यौन शोषण अवैध है, जबकि कुछ में वेश्यावृत्ति कानूनी है। भारत में वेश्यावृत्ति जैसे वेश्यालय, वेश्यावृत्ति के छल्ले और पीपिंग गैर कानूनी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 366A और 372 वेश्यावृत्ति में नाबालिगों को बेचने और अधिकतम 10 साल की कैद और क्रमशः जुर्माने पर रोक लगाती है। जब तक यह व्यक्तिगत और स्वेच्छा से किया जाता है, एक महिला भौतिक लाभ के बदले में अपने शरीर का उपयोग कर सकती है। भारत में किसी भी कानून में पुरुष वेश्यावृत्ति को मान्यता नहीं है। इस विषय की गहन समझ के लिए इस सत्र से जुड़ी पठन सामग्री को देखें और सत्र के अंत में आसान प्रश्नों का उत्तर देना ना भूलें।